अब फोकस करते हैं कि दूसरे कौन से काउंटर्स हैं जहां पर आज ट्रेड के मौके हैं। रुचित जैन हमारे साथ हैं एंजल ब्रोकिंग के। रुचित, पहले तो आप इस समय का ट्रेड बताइए। निफ्टी बैंक अच्छी तेजी में 170.2 पर तेजी करेंगे और निफ्टी जो फिर लौटा है डेज हाई पर, क्या अब जिन्होंने पहले तेजी की थी उनके लिए मौका है और भी बढ़त कमाने का? बिल्कुल, पहले अगर निफ्टी की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में एक्सपायरी के बाद जो गैप अप ओपनिंग हुई थी उसमें 10,640 का रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ था गैप के साथ में, और उसके बाद कंटिन्यू सब भी मोमेंटम कंटिन्यूड है। हालांकि 10,820 के करीब नो प्रीवियस करेक्शन का एक रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट के हिसाब से रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आई थिंक जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन जिसकी भी इंडेक्स में है निफ्टी इंडेक्स में, उन्हें अभी भी जारी रखना चाहिए 10,800 के टारगेट के लिए। 10,800 के स्तर ऐसे रहेंगे जहां पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन पे निफ्टी इंडेक्स में कर सकते हैं। 10,700 अभी एक स्ट्रांग सपोर्ट बेस है, तो इंट्राडे चार्ज के हिसाब से भी तो 10,700 के नीचे के 10,700 के नीचे आपका एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करनी है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल फिलहाल नहीं है, थोड़ा सा डिप्स आता है 10,720 10,730, तो वो लेवल्स पे आई थिंक निफ्टी में फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी में बात करें तो जो हिसाब से आज कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक ये दो स्टॉक्स में स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, तो नो डाउट यहां पे एक से दो दिनों के लिए थोड़ा आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में आगे कंटिन्यू रह सकता है। 25,500 25,450 एक स्ट्रांग सपोर्ट रेंज है, तो उसके नीचे एक स्टॉप लॉस रखे बैंक निफ्टी में आई थिंक एक ज्यादा बेटर ट्रेड बन रहा है खरीदारी करने के लिए ऊपर 25,950 तक के टारगेट के लिए। ओके, तो ये 25,950 की तैयारी निफ्टी बैंक करता हुआ। देखिए, निजी बैंकों में पूरी तेजी आई है, उसी का फायदा निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक ने ही निफ्टी को भी डेज हाई पर ले गए हैं। रुचित, ऐसे में जो स्टॉक्स आपने चुने हैं इस समय, ये बताइए क्या ट्रेड लेंगे? गोदरेज कंज्यूमर में एक स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। ये स्टॉक 70 तक ट्रेंड में है, हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर कंटिन्यूस है, और अपमूव में जो वॉल्यूम्स यूजुअली स्टॉक में पैन आउट हो रहे हैं उसे देखते हुए लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू रहेगा, तो करंट लेवल्स या कोई भी गिरावट पे गोदरेज कंज्यूमर में खरीदारी करे 1112 के स्टॉप लॉस से 1210 के टारगेट के लिए। और मेरा सेकेंड पिक रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। पिछले सप्ताह में यह स्टॉक में काफी अच्छी तेजी काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखने मिले हमें। 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट हो रहा है, बट लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन जो है पिछले 4-5 दिन का ये जस्ट इसीलिए है क्योंकि मोमेंटम रीडिंग्स काफी ओवरबॉट हो गए थे, तो यहां पे सपोर्ट पे आसपास प्लेस्ड है, तो करंट लेवल से खरीदारी की सलाह रहेगी 422 के नीचे स्टॉप लॉस से। शॉर्ट टर्म में 460 तक के टारगेट्स हमें आईसीआईसीआई प्रू में आने देखने की उम्मीद है। दो ट्रेड इस समय आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और गोदरेज कंज्यूमर, दोनों में तेजी की पोजीशन लेकर चले, यहीं पर आपके हाथ फायदा लेना। मैरिको से उम्मीद है कि बेहतर तिमाही रहेगी। रुचित, जाने से पहले मैरिको में कोई ट्रेड लेना पसंद करेंगे? क्योंकि देखिए, वायदे बाजार में यहां पर काफी तगड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, 12% से ज्यादा का, और 3% ऊपर है स्टॉक, क्या आगे और चलेगा? ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है स्टॉक का, जो पिछले रेजिस्टेंसेस है 335 के वो भी ये स्टॉक अब पार कर चुका है। बट सिर्फ यह है कि पिछले दो दिनों में ऑलरेडी ये स्टॉक 315 से 345 हो चुका है, इसके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश लॉन्ग्स के लिए इतना फेवरेबल नहीं है, तो सिर्फ अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोर्शंस है तो उनको मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में अभी भी बने रहे, जो 330 का पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन जाएगा, तो 330 या 327 के नीचे एक स्टॉप लॉस बरकरार रखें, और आने वाले दिनों में ये मोमेंटम शायद कंटिन्यू होगा और 355 से 360 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में स्टॉक में देखने मिलेंगे। तेजी जारी रहेगी। मैरिको नतीजों से पहले यहां पर 3.5% भाग चुका है। शुक्रिया रुचित हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए इन स्टॉक्स पर और आज की पिक्स के लिए भी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।